हमने बहुत बार देखा है फुटबॉलर्स को जेल जाते हुए उनके ऑफ फील्ड एक्शन की वजह से, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था एक फुटबॉलर को जेल हुई थी उनके ऑन फील्ड एक्शन की वजह से। जी मैं बात कर रहा हूँ डंकन फर्ग्यूसन की। 1994 में डंकन फर्ग्यूसन रेंजर्स के लिए खेल रहे थे स्कॉटिश लीग में और रेंजर्स का मैच चल रहा था रेथ रोवर्स के अगेंस्ट। डंकन फर्ग्यूसन मैच के दौरान गुस्से में आके रेथ रोवर्स के एक प्लेयर जॉन मैकस्टे को हेडबट कर देते हैं और उसके बाद काफी लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई हो जाती है फील्ड। उस टाइम तो ऑन फील्ड रेफरी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन मैच के बाद इस इंसिडेंट पे इन्वेस्टिगेशन होती है। फर्ग्यूसन को चार्ज किया जाता है मैकस्टे को हेडबट करने के लिए और जज उनको 44 डेज का प्रिजन सेंटेंस सुनाते हैं। डंकन फर्ग्यूसन 44 डेज बिताते हैं ग्लासगो प्रिजन में। प्रिजन से आने के बाद उन्होंने यह कहा था कि जज जो है वो सेल्टिक फैन थे, जो कि रेंजर्स के बहुत ही ज्यादा फेयर्स राइवल्स हैं, इसलिए वो प्रिजन सेंटेंस उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा बहुत सारे जो कैदी थे वो सेल्टिक सपोर्टर्स थे, तो आए दिन उनकी हाथापाई हो जाती थी उन कैदियों से। जैसे ही डंकन फर्ग्यूसन जेल से बाहर आए, रेंजर्स ने उनको इमीडिएटली एवर्टन को भेज दिया और एवर्टन के लिए खेलते हुए डंकन फर्ग्यूसन अनसरप्राइजिंगली बन गए प्रीमियर लीग हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रेड कार्ड पाने वाले प्लेयर। हमने बहुत बार देखा है फुटबॉलर्स को जेल जाते हुए उनके ऑफ फील्ड एक्शंस की वजह से, लेकिन एक बार